Hello guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So today we are going to discuss the class 10th NCRT Geography Chapter 4 Agriculture. India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in agricultural activities. मीन्स जो एक इंडिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो इंडिया की पॉपुलेशन है टू थर्ड इसकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहती है एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम मीन्स एग्रीकल्चर एक ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे फूड प्रोड्यूस होता है और लोग उसे कंज्यूम करते हैं

एग्रीकल्चर बहुत ही पुराने समय से प्रैक्टिस की जाती है हमारी कंट्री में ओवर द दस एग्रीकल्चर हैव सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस लेकिन कुछ सालों से जो कल्टिवेशन के मैथड हैं वो चेंज हो गए हैं बिकॉज ऑफ द इनवायरमेंट फिजिकल एनवायरमेंट कमिंग ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजीज मैनी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप मीन्स फार्मिंग टू टाइप्स की होती है एक होती है सब्सिस्टेंस और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड और आज के टाइम में इंडिया में अलग अलग तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है सो लेट डिस्कस वन बाय वन सो फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग स्टिलड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया जो इस टाइप की फार्मिंग है ये बहुत कम रीजन में प्रैक्टिस की जाती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली एंड कम्युनिटी लेबो मीन्स क्या होता है इस एग्रीकल्चर में बहुत छोटे से लैंड को पे लैंड पे एग्रीकल्चर की जाती है जिसमें बहुत ही पुराने ज़माने वाले टूल्स का यूज़ होता है मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता और जो लेबर होती है वो भी फैमिली और कम्युनिटी से ही होती है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून और जो इस टाइप की फार्मिंग होती है इनका इरीगेशन से इरीगेशन के लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं होता ये मानसून पर रेनफॉल पर डिपेंड होता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल

एंड दियर family मीन्स जो मैंने आपको अभी बताया कि ये छोटे से पैच पे फार्मिंग की जाती है जिससे फूड क्रॉप ग्रो किए जाते हैं जिसे वो खुद खाते हैं अपनी फैमिली को चलाते हैं वेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है तो फार्मर शिफ्ट कर देते हैं और एक क्लियर पैच ऑफ लैंड पे काम शुरू कर देते हैं दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ द नेचर टू रेपलिनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो दोबारा आ जाती है थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज द फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट्स इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी होती है क्रॉप्स की वो कम होती है बिकॉज इसमें फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इट इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और अलग अलग पार्ट में कंट्री के या अलग अलग नाम से जानी जाती है सो कैन यू नेम सच टाइप ऑफ फार्मिंग क्या आपको भी ऐसी फार्मिंग के नेम पता है इस टाइप की सो इट इज झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम मेघालय मिजोरम नागालैंड मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से झूमिंग के नाम से जाना जाता है uh, पामलो मणिपुर दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन नंडमन एंड निकोबार आइलैंड सो मीन्स अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है मूविंग फॉरवर्ड एंड हेयर इज Intensive subsistence farming, the another type of farming. So this type of farming is practised in area of high population pressure on land. जो इस टाइप की फार्मिंग होती है ये उस एरिया में ज़्यादा की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वेयर हाई डोजेज ऑफ बायो कैमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑप्टेनिंग हायर प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स uh, का भी यूज़ किया जाता है केमिकल्स का बायोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है और इरिगेशन सिस्टम अलग से लगाया जाता है so can you name some of the states of india where such farming is practiced though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations had rendered land holding size uneconomical the farmer continued to take the maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood मीन्स जो एक डिवीज़न था लैंड के ऊपर राइट ऑफ इनहेरिटेंस कि फादर की जो लैंड है वो डिवाइड होगी आगे उसकी वजह से जो लैंड का पार्ट है वो लोगों पर कम आता है और जबकि सिर्फ अल्टरनेटिव सोर्स उनके पास यही बचता है कि लैंड पर प्रैक्टिस करना तो इसलिए स्मॉल स्मॉल पैजेज में पूरी लैंड बढ़ गई है जिसकी वजह से प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है एग्रीकल्चर लैंड पे नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स मीन्स इस टाइप की फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स का ज़्यादा यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल हाई गिल्डिंग वेराइटी सीड्स एच वाई वी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑप्टेन हायर प्रोडक्टिविटी द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन मीन्स इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है और इनका कमर्शियल टाइप में मतलब फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इनका यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज़ सबसिस्टेंस क्रॉप मीन्स इतने लार्ज प्रोडक्शन में किया जाता है कि दूसरे स्टेट को दूसरे रीजन को भी मिल सके तो वो होता है कमर्शियल क्रॉप और जो सिर्फ अपने ही सफिशियंट हो अपने लिए अपने स्टेट के लिए अपने रीजन के लिए वो होता है सब्सिस्टेंस क्रॉप मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज प्लांटेशन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ये भी एक तरीके से कमर्शियल फार्मिंग होती है इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया मतलब इस फार्मिंग में एक सिंगल ही क्रॉप ग्रो किया जाता है बहुत बड़े लैंड एरिया पे द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इसमें इंटरफेरेंस होता है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज का दोनों का प्लांटेशन कवर ओवर लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स नीस प्लानेशन की जाती है बहुत बड़े एरिया पे विद द यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होते हैं मीन्स बिग बिग मशीन्स आर यूज फॉर दिस मीन्स लार्ज मनी इज इन्वेस्टेड टू बॉट दिस इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज अ रॉ मटीरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज मीन्स अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इनका प्रोड्यूज़ एज अ रॉ मटीरियल किया जाता है इन इंडिया टी कॉफी रबर शुगर केन बनाना दीज आर इम्पॉर्टेंट प्लान्टशन क्रॉप ये प्लानेसन क्रॉप है टी इन आसम एंड नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दी स्टेट असम नॉर्थ बंगाल में टी और कर्नाटका में कॉफी का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है सिंस दिस प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट ये सिर्फ ज्यादातर मार्केट के लिए होता है अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्किट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन मीन्स इसका फायदा इस फार्मिंग का फायदा तभी है तब आपके पास प्लांटेशन के लिए एरिया हो उसे प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रीज हो और उसे बेचने के लिए मार्केट हो सो इट इज यूज एज अ कमर्शियल क्रॉप एंड इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट द क्रॉपिंग पैटर्न सो यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया तो आपने डायवर्सिटी के बारे में तो पढ़ा होगा कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो जो वो डाइवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर में भी आपको देखने की मिल सकती है एंड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द कंट्री वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्पाइशिज स्पाइसिस एंड कंडिमेंट्स एट्सेट्रा मीन्स अलग अलग टाइप के फूड फाइबर वेजिटेबल टाइप्स किए ग्रो किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री सो इंडिया हैज़ थ्री क्रॉपिंग सीजन दीज आर रबी खरीफ एंड द जेड सो फर्स्ट इज रबी क्रॉप्स दे आर सोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर मीन्स अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में सो किए जाते हैं हार्वेस्टेड इन समर समर के टाइम में हार्वेस्ट किए जाते हैं काट लिए जाते हैं इन द अप्रैल टू जून सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट बार्ले पीज ग्राम एंड मस्टर्ड दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं सच एस पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स सो द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप ये क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में इसलिए होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ सर्दियों के मौसम में जो प्रेसिपिटेशन होता है उसकी वजह से हाउ एवर जो सक्सेस होता ग्रीन रेवल्यूशन और जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इन पंजाब एंड हरियाणा वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान इन द ग्रोथ ऑफ द अब रबी क्रॉप्स और जो ग्रीन uh, रेवोल्यूशन था उस वो भी इम्पॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप

cotton jute groundnut and soybean some of the most important rice growing regions are assam west bengal coastal region of odisha Andhra pradesh telangana tamil nadu kerala and maharashtra particularly the konkan coast along with uttar pradesh and bihar means uh, southern and uh, southwestern areas are mainly grown with a kharif crop रिसेंटली पेड़ी हार आल्सो ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और आजकल पंजाब और हरियाणा में भी ग्रो किया जाता है थ्री क्रॉप्स ऑफ पेड़ी आर ग्रोन इन अयर मीन्स पेड़ी की थ्री क्रॉप्स ग्रो की जाती है एक साल में दीज आर अमन एंड बोरो दीज आर द टाइप्स ऑफ पेड़ी ग्रोन इन अ ईयर सो इन बिटवीन द रबी And the खरीफ सीजन इन दोनों सीजनों के बीच में एक बहुत छोटा सा सेशन होता है समर मंथ का उसे बोलते हैं जेड सीजन सो सम ऑफ़ द क्रॉप्स सम्यूस ड्यूरिंग द दर वॉटर मैलन मस्क मैलन कुकुम्बर वेजिटेबल्स एंड फोर्डर क्रॉप शुगर केन टेक ऑलमोस्टर टू ग्रो और जो शुगर केन है वो लगभग एक साल ले लेता है ग्रो करने में now let's see what are the major crops grown in india so a variety of food and non-food crops are grown in different part of the country depending upon the variations in soil climate and cultivation practices major crops grown in india are rice wheat millet pulses tea coffee sugarcane oil seeds cotton and jute etc so let us discuss them one by one so firstly let's see the rice सो इट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया स्टेपल फूड क्रॉप होता है जो हम डेली खाते हैं डेली यूज़ में आता है जो क्रॉप एंड आर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना और चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है राइस का इट इज अ खरीफ क्रॉप ये खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है मीन अबव ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अब हंड्रेड सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद देल्प ऑफ इरीगेशन और जहां पर रेनफॉल कम होती है वहां पे इरिगेशन की मदद ली जाती है राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मीन्स राइस इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ग्रो किया जाता है और कोस्टल एरियाज़ में और डेल्टिक रीजन्स में डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरीगेशन एंड ट्यूबवेल्स है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान लेकिन आजकल जो डेवलपमेंट हो रहा है कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं इरीगेशन के लिए उसकी वजह से आज उन एरियाज में भी राइस को ग्रो किया जा रहा है जहां पर लेस रेनफॉल होती है नेक्स्ट मेजर क्रॉप इज वीट सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इट इज मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मतलब इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा से ज्यादा वीट का यूज किया जाता है डेली यूज में दिस रबी क्रॉप रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन इसे कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए ठंडा सीजन uh, चाहिए एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग और जब वो पक जाती है फसल उस टाइम पे उसे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. Growing season may 50 to 75 centimeter rainfall. Hoti there are two important wheat growing zones in the country, India May though growing zones and wheat growing zones. These are Ganga Sutlej plain in the northwest and Black Soil region of the Deccan. इन दो में ज्यादा ग्रो किया जाता है द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार एंड राजस्थान नेक्स्ट क्रॉप इज मिलेट सो ज्वार बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया सो मिलेट्स के अंदर कौन कौन से क्रॉप आते हैं जो आर बाजरा एंड रागी दो दीज आर नोन एज कॉर्स ग्रेन इन कॉर्स ग्रेन बोला जाता है बिकॉज दे हैव द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन कैल्शियम एंड अदर माइक्रो एंड रोफेज जवार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जवार एंड इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड इरीगेशन फेड क्रॉप है जिससे ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया में किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा इरीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती मेजर ज्वार प्रोडक्शन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश मीन सेंट्रल एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वहां पे मिलेट्स ज्यादा ग्रो किए जाते हैं नेक्स्ट इज आफ्टर ज्वार इट्स बाजरा ग्रोन वेल ऑन सेंडी सॉइल एंड शेलो ब्लैक सॉयल ये शेलो ब्लैक सॉइल और सेंडी सॉइल में ग्रो किया जाता है मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात एंड हरियाणा And another is ragi, which is a, a crop of dry region and grow wells on red, black, sandy, loamy, shallow, black soils. So, let me tell you that I have already made videos on the types of soil in India. So, you can also check these videos from the links given in the description and comment section below. So, major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand, and Arunachal Pradesh. क्स्ट मेजर क्रॉप इज मेज सो इट इज अच इज यूज एज फूड एंड ऐसा क्रॉप है जैसे यूज किया जाता है इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर टेंपरेचर बिटवीन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री मींस इसे ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तक का टेंपरेचर चाहिए होता है एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल

मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना मीन्स द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्रॉप दैट इज पल्सिस सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर पर्सेज इन द वर्ल्ड पर्स इज होती है दाल सो so, जो इंडिया है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है साथ के साथ कंज्यूमर भी है दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट अगर हम वेजिटेरियन पर्सन की बात करें तो सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए मेजर पल्सिस आर ग्रोन इन इंडिया मतलब कौन कौन सी पल्सेस है दीज आर अरहर यानी कि तुर उड़द मूग मसूर पीज एंड ग्राम सो कैन यू डिस्टिंग विच ऑफ दीज पल्स आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन मीन्स आप बताइए कि कौन कौन सी जो पल्स हैं वो खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है और कौन कौन सी पल्सेस रबी सीजन में ग्रो की जाती है सो पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर इन्हें कम मॉइस्चर की जरूरत होती है एंड सर्वाइव इविन ड्राई कंडीशन और ड्राई uh, कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं बींगस क्रॉप ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर मीन्स हर हर पल्स को छोड़कर जो बाकी सारी पल्सेस हैं वो हेल्प करती हैं सॉइल की फर्टिलिटी को वापस देने में बिकॉज ये ईयर से नाइट्रोजन फिक्स कर देती है सैंड में देआर फॉर दे आर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप तो जब फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की तो इन क्रॉप्स को इन पल्स uh, को ग्रो किया जाता है मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड Karnataka. so these are some of the major crops grown in India. now moving forward and let's see the food crops other than grains means grains ये तो सारे अभी हमने पढ़े grains तो अब हम देखते हैं grains के अलावा कौन-कौन से food crops हैं। so first is sugar cane. it is a tropical as well as subtropical crop means tropical और subtropical दोनों type का crop है इट ग्रोज बिल इन द हॉट एंड ह्यूमि क्लाइमेट विद टेम्परेचर ऑफ़ ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस मीन्स ट्वेंटी वन से ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ये ग्रो होता है विद ए एनुअल रेनफॉल बिटवीन सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड हंड्रेड सेंटीमीटर इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन इस रीजन में इरीगेशन की जरूरत पड़ती है जहाँ पर लो रेनफॉल है एंड इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉयल एंड नीड्स मैनुअल लेबर ऑन सोइंग टू हार्वेस्टिंग और इसे मैनुअली ग्रो किया जाता है सोइंग uh, से लेकर हार्वेस्टिंग तक इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकेंड प्रोड्यूसर है शुगर केन के प्रोडक्शन में इट इज इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड गुड मीन्स जेगरी खांडसेरी एंड मोलासिस

इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना इन टू थाउजेंड सिक्सटीन और टू थाउजेंड सिक्सटीन में रेप सीड प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड प्रोड्यूसर था डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व परसेंट ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया बाय द कंट्री मीन्स जितना भी एरिया क्रॉप मीन्स जितना भी एरिया क्रॉप किया जाता है कंट्री में उसका ट्वेल्व परसेंट ऑयल सीड्स के लिए ग्रो किया जाता है ट मस्टर्ड कोकोनट से सोयाबीन कैस्टर सीड्स कॉटन सीड्स लिंस एंड सनफ्लावर मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एडिबल होते हैं खाने वाले मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम और कुकिंग के लिए यूज किया जाता है एज आ ऑयल सो हाउ एवर समीज आर यूज एज अ रॉ मेटीरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप और कुछ का प्रोडक्शन सोप के लिए किया जाता कुछ का यूज एज अ रॉ मटेरियल सोप का प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है ग्राउंड नट एस अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री जो ग्राउंडनट है वो एक खरीफ क्रॉप है और जो मतलब ऑयल सीड्स में टोटल हाफ ऑफ द एरिया इसी के लिए छोड़ दिया जाता है इसी को ग्रो किया जाता है

टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो टी है वो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आती है इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश ये एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है यानी कि पीने वाला क्रॉप है मतलब इसे एज अ ड्रिंक यूज किया जाता है विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स सो टूडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन बाय द इंडियंस लेकिन आज जो ज्यादातर टी प्लांटेशन है वो इंडिया के द्वारा हो रहा है इंडियंस के द्वारा so the tea plant to grow well in tropical and subtropical climate endowed with deep and fertile well-drained soil rich in humus and organic matter tea bushes require warm and moist frost-free climate all through the year फ्रिक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया इंश्योर द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीवस मीन्स फ्रीकुंट शावर्स मीन्स समय समय पर जो बारिश होती रहती है उस एरिया में ज़्यादा होता है एंड टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है इट रिक्वायर एबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर टी इज़ प्रोसेसड विद इन द टी गार्डन टू री स्टोर इट्स फ्रेशनर्स टी को प्रोसेस किया जाता है टी गार्डन में ताकि उसकी फ्रेशनर्स बरकरार रहे Major tea-producing states are Assam, hill of Darjeeling, uh, Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, and apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, uh, and Tripura are also tea-producing states in the country. So, in two thousand and sixteen, India was the second largest producer of tea after China. China ke baad India uh, second largest producer tha. Next is coffee. एंड इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी इसकी क्वालिटी की वजह से इंडिया की कॉफ़ी वर्ल्ड फेमस है दब अराबिका वरायटी ऑफ इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री जो अरेबिका वेरायटी है कॉफ़ी की वो येमेन से लाई गई थी जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है दिस वेरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये वैराइटी का ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड में इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलग्री इन कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु जो सबसे पहले जो इसका कल्टीवेशन हुआ था वो बाबा बुदान हिल्स पे हुआ था और आज के टाइम में ये नीलग्रीज़ में ग्रो की जाती है इन द कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु रीजन

ओरेंजेस ऑफ नागपुर चीरापुंजी बनानाज ऑफ केरेला मिजोरम महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु लीची एंड गोवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड महाराष्ट्र एप्पल्स पियर्स एप्रीकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड इन द ऑल ओवर वर्ल्ड मीन्स अलग अलग स्टेट के कुछ ऐसे स्पेशल फ्रूट्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम इंडिया इंडिया एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी कॉलीफ्लावर अनियन कैबेज, टमैटो ब्रिंजल एंड पटेटो सो नाउ लेट सी द नॉन फूड क्रॉप्स मीन्स विच कैन नॉट बी ईटेबल सो फर्स्टली इट इज रबर इट इज़ एन इक्विटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज मीन्स वैसे तो ये इक्विटोरियल क्रॉप है जो इक्वेटर के एरिया में ग्रो किया जाता है बट इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी आजकल ग्रो किया जा सकता है इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर मीन्स इसे दो सौ मीटर सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल चाहिए एंड टेम्परेचर अबाउट ट्वेंटी फाइव डिग्री Celsius. rubber is an important industrial raw material it is mainly grown in kerala tamil nadu karnataka and andaman and nicobar island and garo hills of meghalaya Next is fiber crops. So, cotton, jute, hemp, and natural silk are the four major fiber crops grown in India. Means these are the fiber crops uh, which are grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soil. The first three are, yani cotton, jute, and hemp. These are grown in the soil, while the later is obtained from cocoons of the silk worms fed on green leaves, especially mulberry. सो so, जो नेचुरल सिल्क है वो सिल्क वॉम से लिया जाता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम्ब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर मीन सिल्क वॉर्म को रियर करना उनका उनसे प्रोडक्शन लेना सिल्क फाइबर निकालना इज नोन एज द सेकल्चर नेक्स्ट क्रॉप इज कॉटन सो इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ऑरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट कि मतलब ऐसा माना जाता है कि जो ऑरिज ऑरिजिन कंट्री वो इंडिया है कॉटन की कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटीरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन एक सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सो इन 2016 इंडिया वाज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना 2016 में जो इंडिया था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेकन प्लेट यू मीनस ड्रायर पार्ट है जो ड्राई एरियाज हैं वहां पर ज्यादा ग्रो की जाती हैं इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल और इरीगेशन एंड टू हंड्रेड टेन फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ इट इज़ अ खरीफ क्रॉप ये खरीफ क्रॉप है एंड रिक्वायर्स सिक्स टू एट मंथ यानी कि छः से आठ महीने तक लगते हैं इसे अच्छे से होने में मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटका आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश सो द नेक्स्ट क्रॉप इज़ जूट इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर इसे गोल्डन फाइबर बोला जाता है जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर मीन्स के उस एरिया में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है प्लेन एरिया होता है और जहाँ हर ईयर जो सॉइल है और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ ग्रोथ के टाइम पे से हाई टेम्परेचर चाहिए वेस्ट बंगाल बिहार आसाम उड़ीसा एंड मेघाले आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ये ज़्यादा इन स्टेट्स में ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है जूट इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स मेट्स रोब्स यान कारपेट्स एंड अदर आर्टिफेक्ट्स ड्यूट

इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरीगेशन मोस्ट ऑफ़ द फार्मर इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्रीज स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देअर एग्रीकल्चर मीन्स कई लोग ऐसे हैं कुछ फार्मर ऐसे हैं इंडिया में जिनके पास प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम नहीं है और वो अभी भी मानसून पर ही डिपेंडेंट है फॉर देअर इरीगेशन एंड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोज इज़ अ सीरियस चैलेंज और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो तो चैलेंज और भी ज़्यादा इनक्रीज़ होते जा रहे हैं

सेक्टर गिवेन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स जब से हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है उसके बाद बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो हटा दिए गए हैं लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन Land reform was the main focus of our first five year plan. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings. मतलब जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आया था हमारा उसके बाद से जो लैंड रिफ़ॉर्म थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए लैंड रिफ़ॉर्म्स लाए गए और जो राइट था इनहेरिटेंस का कि मीनस फादर अपने चिल्ड्रंस uh, को लैंड देता है वो उसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन और भी बढ़ गया था लैंड uh, का द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकॉ मे जो लैंड के लिए लॉज आए थे रिफॉर्म्स आए थे वो लाए तो गए लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्बाक्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 एंड सेवेंटीज़ में तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 एंड सेवनटीज़ में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने शुरू किए The Green Revolution, based on the use of a package technology, and the White Revolution operation flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. But this too led to the concentration of development in few selected areas. Means, nineteen sixteen and seventies me Green Revolution laya White Revolution laya agriculture ko improve karne ke le, But फिर भी few selected areas mein improvement हो therefore in 1980 and 1990s a comprehensive land development program was initiated which included both institutional and technical reforms तो so, उसके बाद मतलब 1980s and 90s में ऐसे development program लाए गए जो बहुत ज़्यादा जो दोनों ही तरह के reforms पे काम किया institutional and as well as टेक्निकल प्रोविजन्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट फ्लड साइक्लोन फायर एंड डिजीज इस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट व इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये सारे स्टेप्स लिए गए किसान क्रेडिट कार्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूसड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स मतलब फार्मर के बेनिफिट के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए इंश्योरेंस स्कीम करी बहुत सारी ऐसी सारी स्कीम लाई ताकि जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर वी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन टेलीविजन पे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए जो uh, फार्मर्स को इनक्रेज करे एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजीज लाने के लिए द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिमेरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लेटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडलमैन नाउ लेट सी द अनदर टॉपिक दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट Agriculture has been the backbone of Indian economy though its share in the gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards तो मतलब जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन रीढ़ की हड्डी मानी जाती है बिकॉज जो शेयर है डोमेस्टिक जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर uh, का शेयर वो बहुत ज़्यादा है और वो 1951 के बाद से लेकिन डिक्लाइन होने लगा इन 2010 एंड 11 अबाउट 52 परसेंट ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाई द फार्म सेक्टर विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस मतलब कि जो 2010 से 11 के बाद जो 52 परसेंट था टोटल भी जितना वर्क फोर्स था वो सारा एग्रीकल्चर की तरफ मूव होने लगा द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जी डी पी इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन इन स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू द डिक्लाइन इन अदर फेयर्स ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशंस फॉर द सोसाइटी तो अगर एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन होने लगा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ए, इंडियन की इकोनॉमी को साथ के साथ तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हैं कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मीन्स इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को देखते हुए एग्रीकल्चर की इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले गए सेंटर बनाए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए ताकि एग्रीकल्चर के फील्ड में काम किया जा सके अपार्ट फ्रॉम दिस इंप्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द सेम और इसके अलावा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था जो लोकल एरियाज था उसको भी डेवलप करने का एक असेंशियल एम था

जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर में वो अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुंच चुकी है टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आजकल जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है जिसकी वजह से रिडक्शन आया पब्लिक की इन्वेस्टमेंट में इन एग्रीकल्चर मतलब लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अब

कंट्री मीनस जो इम्पोर्ट ड्यूटीज होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे वो रिड्यूस होती जा रही है इसलिए बाहर से सामान ज़्यादा आ रहा है तो इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम डिक्लाइन होता जा रहा है फार्मर्स आर विड्रॉइंग देर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते एग्रीकल्चर के जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी डिफरेंस आया है So here a question that why are farmers committing suicide in several states of the country So now let's see the impact of globalization on agriculture So firstly let's see the what is globalization सो ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनना ये कोई एक नया फिनोमिना नहीं है नया कोई प्रोसेस नहीं है इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन जब से कॉलोनी बनी थी हमारी कंट्री तब से ये फिनोमिना चल रहा था इन द नाइनटीन सेंचुरी विन यूरोपियन ट्रेडर्स कीम टू इंडिया जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे उस टाइम पर भी इंडिया के स्पाइस एक्सपोर्ट किए जाते थे डिफरेंट कंट्रीज में ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर ऑफ साउथ इंडिया वर इंक्रेज टू ग्रो दीज करॉप्स और जो फार्मर्स थे उन्हें इंक्रेज किया जाता था कि वो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रा क्रॉप्स ग्रो, uh, ग्रो करें ताकि उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके अदर कंट्रीज में टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और आज तक भी जो इंडिया के स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटीरियल फॉर दे टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था जो कॉटन बेल्ट थी इंडिया की वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रैक्ट किया ब्रिटिशर्स को जिसकी वजह से उन्होंने कॉटन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लीवरपूल फ्लोरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया एक टाइम ऐसा आया जब कॉटन टेक्सटाइल थी मैनचेस्टर और लिवरपूल में वो कंपनियां बंद हो गई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई क्यों क्योंकि जो प्रोडक्शन था जो क्वालिटी थी कॉटन की इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो डिक्रीज हो गई यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच हैव स्टार्टेड इन नाइनटीन इन बिहार आपने सभी ने सुना होगा चंपारण मूवमेंट के बारे 1917 में सेवनटीन में बिहार में स्टार्ट हुआ था This was started because the farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain. जो ये मूवमेंट ये स्टार्ट की गई थी क्योंकि जो फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडी ग्रो करें अपने लैंड पर बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्योंकि इंडिगो नेसेसरी था उन्हें जरूरत थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की जो ब्रिटेन में लोकेटेड थी दे वर अनेबल टू ग्रो फ्रूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़ तो अगर वो इंडिगो ग्रो करेंगे तो अपनी फैमिली को कैसे सस्टेन करेंगे क्योंकि फूड ग्रेन तो ग्रो नहीं किया जा सकता अगर वो इंडिगो ग्रो कर रहे हैं तो सो अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली

कंट्रीज बिकॉज ऑफ़ द हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़ मीन्स जो हमारी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है वेदर इट्स अ फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप लेकिन फिर भी जो अदर कंट्रीज हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि वो हाईली सब्सिडाइज हैं एग्रीकल्चर में टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इट्ल्फ एट द क्रॉस रोड्स टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रोफिटेबल proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small फार्मर जो आज इंडियन एग्रीकल्चर है वो अपने आप को क्रॉस रोड्स पे देखता है और वो चाहता है कि जो एग्रीकल्चर में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम्स लाए जाएँ और भी ज़्यादा कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि जो फार्मर्स हैं स्मॉल फार्मर्स हैं मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिल सके द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिस्ड मच और ये पॉसिबल हो पाया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन बट टूडे इट्स अंडर कॉन्ट्रोवर्सीज लेकिन आजकल ये कॉन्ट्रोवर्सीज में हैं कॉन्ट्रोवर्सीज में हैं बिकॉज इट इज बींग एलिस्ड दैट इट कॉज द लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल लेकिन कहा जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो ओवर यूज़ होने लगा केमिकल्स का फर्टिलाइजर्स का ड्रायर uh, एक्विफायर्स का वेनिशिंग का बायोडावर्सिटी मतलब लैंड डिग्रेडेशन होने लगा द की वर्ड टूडे इज जीन रेवल्यूशन जो आजकल एक वर्ड चल रहा है वो है जीन रेवोल्यूशन विच इंक्ल्यूड जेनेटिक इंजीनियरिंग सो वॉट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग सो इट इज रिकोगनाइज एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स इससे अच्छी वेराइटी के सीड्स को ग्रो किया जा सकता है सो कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज वास्टली इन इंडिया तो आपको पता है क्या ऐसे किसी भी जीन वेराइटी ऑफ सीड्स के बारे में सो इन फैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच अ अवॉग टूडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री और आज के टाइम में जो ऑर्गेनिक फैक्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं क्योंकि इसके लिए किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है फैक्ट्री मेड केमिकल की ज़रूरत नहीं होती किसी फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती दीज आर ऑर्गेनिक विच आर ग्रो नेचुरली हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट इन द नेगेटिव मैनर और ये किसी भी तरीके से नेगेटिवली इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर इफ दे कॉन्टिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन ऑन देअर होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइज कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं अगर वो इसी तरीके से काम करते रहे तो उनका फ्यूचर इन इज़ नॉट इन अ पॉजिटिव वे क्योंकि जितनी भी प्रोडक्शन है वो स्मॉलर होती जाएगी और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी इंडियन पॉपुलेशन इज़ अबाउट एट थर्टी थ्री मिलियन मीन्स इन टू थाउजेंड इलेवन इट वॉज एट थर्टी थ्री मिलियन विच डिपेंड अपॉन टू फिफ्टी मिलियन हैक्टर्स ऑफ लैंड मतलब एटी थ्री एट थर्टी थ्री मिलियन फैम मतलब एट थर्टी थ्री मिलियन पॉपुलेशन वो सिर्फ टू फिफ्टी मिलियन है हेक्टर ऑफ लैंड पर डिपेंडेंट है एंड एवरेज ऑफ लेस देन हाफ हेक्टर पर परसन मीन्स आधे हेक्टर से भी कम मीन्स हाफ अ हेक्टर पर पर्सन ओनली सो इंडियन फार्मर्स शूड डवर्सिफाई देअर क्रॉपिंग पैटर्न फ्राम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स मीन्स अब इंडिया को ज़रूरत है कि इंडियन फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉपिंग पैटर्न में डाइवर्सीफाइंग लाए डिफ्रेंस लाएँ दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जिसकी वजह से इनकम भी इंक्रीज़ होगी साथ के साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा साइमल्टेनियसली बिकॉज फ्रूट्स मेडिसिनल हर्ब्स फ्लावर्स वेजिटेबल बायोडीजल्स क्रॉप्स लाइक जथोर्फा जजोबा नीड मच लेस इरीगेशन देन राइस और शुगर मैं इस टाइप के क्रॉप ग्रो किए जाने चाहिए एंड इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्डनेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वेल्यू क्रॉप्स So that is it for this. Here, this chapter ends. Thank you for watching our video. And if you like it, please do like, share, and subscribe to our channel.